निशाना, आप देख रहे हैं हमारा शो खबरियाँ। अमूमन लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, दाएं बोले तो राइट, और कोई बाएं हाथ से लिखता है, लेकिन दोनों हाथ से लिखने का हुनर तो थ्री इडियट्स फिल्म में वायरस मतलब बुमन ईरानी में ही देखा गया। दोनों हाथ से एक साथ लिखने का हुनर यह किसी जादूगर की कला नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के छोटे से गांव में बुंदेला में 100 बच्चों का रोजमर्रा का काम है। यहाँ के वीरा वंदिनी पब्लिक स्कूल के छात्र इतने निपुण हो चुके हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी तेज रफ्तार से उनकी कलम चलती है। जिस काम को सामान्य बच्चे आधे घंटे में पूरा करते हैं, यह बच्चे कुछ चंद मिनटों में काम निपटा लेते हैं। लगातार अभ्यास से बच्चे इतने कुशल हो चुके हैं कि दोनों हाथ से एक साथ लिखकर सबको हैरान कर देते हैं। यही नहीं, वह 5 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश और संस्कृत में यह करिश्मा कर लेते हैं। छात्र इस हुनर को हैरी पॉटर वाला जादू का नाम देते हैं। इस निजी स्कूल की नींव यहीं के निवासी विद्येंद्र शर्मा ने एक रोचक सोच के साथ 8 जुलाई 1999 को रखी थी। इससे कुछ हफ्ते पहले विगेंद्र जबलपुर सेना में परीक्षण ले रहे थे। वह बताते हैं कि एक दिन जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथ से लिखते थे। ऐसा कैसे हो सकता है, इस जिज्ञासा ने और खोजबीन करने की प्रेरणा दी। यह विचार इतना पुख्ता हुआ कि कुछ दिन में मैंने सेना का परीक्षण छोड़ दिया। खोजने पर उन्हें पता चला कि प्राचीन नांदला विश्वविद्यालय में छात्र औसतन प्रतिदिन 32,000 शब्द लिखने की क्षमता रखते हैं। इस पर पहले भरोसा करना थोड़ा कठिन था, लेकिन इतिहास खंगाला तो कहीं जगह इसका उल्लेख मिला। बस इसी सोच के साथ मैंने स्कूल की नींव रख दी। वृगेंद्र ने देश के इतिहास की बात को वर्तमान में सार्थक करने की ठान ली थी। पहले खुद दोनों हाथों से लिखने का प्रयास किया, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। फिर बच्चों पर प्रयोग अजमाया, बच्चे सीखने में अव्वल निकले। इसी से सीख लेकर बच्चों की लेखन क्षमता बढ़ाने का प्रयास उन्होंने शुरू करा। अब आलम यह है कि 11 घंटे में बच्चे 24,000 शब्द तक लिख लेते हैं। हालांकि यह गति एक प्रतियोगिता के दौरान हासिल हुई। विगेंद्र बताते हैं कि यह एक साधना की तरह है। ध्यान, योग, दृढ़ संकल्प होकर लक्ष्य पाया जा सकता है। इसलिए स्कूल में ध्यान और योग भी करीब 1.5 घंटे रोज सिखाया जाता है। दोनों हाथों से एक साथ लिखने में याद करने की क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और सबसे बड़ी बात समय की बचत होती है। इसी का परिणाम है कि 1 से 100 तक की गिनती बच्चे उर्दू में 45 सेकंड में, 1 मिनट में रोमन में और 1 मिनट में देवनागरी लिपि में लिख लेते हैं, और 1 मिनट में 2 भाषाओं के 250 शब्द का अनुवाद कर लेते हैं। विगेंद्र को डर था कि शायद अभिभावक इसे फितूर समझकर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल में पहले साल में 14 बच्चों ने प्रवेश लिया। 19 से शुरू हुआ यह सफर अब नए मुकाम की ओर है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। वर्तमान में 170 बच्चे हैं, उनमें से करीब 100 बच्चे दोनों हाथ से लिखने का हुनर जानते हैं। शुरुआती कक्षा में बच्चों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्कूल प्राकृतिक वातावरण में पेड़ के नीचे भी लगता है। विगेंद्र बताते हैं कि लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन जेनिस रोज अमेरिका से यहाँ 2004-05 में कुछ जापानी मित्रों के साथ आए थे। 3 दिन यहाँ रहने के बाद वे बच्चों को अपने साथ वाराणसी ले गए, जहाँ एक समारोह में इन बच्चों के हुनर को दिखाया गया। समारोह संबोधित करते हुए जेनिस रोज ने कहा था कि भारत में दुनिया का यह नोवा अजूबा है। विगेंद्र ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे कुछ दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। यही बात शिक्षा और इस विधा के लिए बड़ी चुनौती थी। यह खबर यहीं तक। इसी तरह की सकारात्मक खबरों का संग्रह लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। प्रणाम।